आज मैं आपको डिजिटल टाइमर के कनेक्शन व पैरामीटर सेट करने के बारे में बताऊंगा। ये एक डिजिटल टाइमर है जो LT कंपनी का है। इसके टाइमिंग सेट करने के लिए कई तरह के पैरामीटर है। डिजिटल टाइमर में ये PR ये पैरामीटर सेट करने के लिए D+DATE, H पे वर्ष, M पे मिनट करने के लिए होता है। इसको मैनुअल ऑटो करने के लिए यूज़ करते हैं और ये रीसेट करने के लिए, अगर पूरा टाइमिंग वगैरह अपन को रीसेट करना है उसके लिए होता है। अगर आपको किसी चीज़ एलिमेंट लाइट ऑन ऑफ किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ कंट्रोल करने के लिए डिजिटल टाइमर या एनालॉग टाइमर का भी अपन यूज कर सकते हैं। डिजिटल टाइमर को सेट करने के लिए सबसे पहले हमारे को P प्रेस करना पड़ेगा और उसके अंदर हमारे को जो अपन ऑन का टाइम है कितनी बजे जैसे अपन को ऑन करना है वो सेट करना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे अब जैसे हमारे 2 बजे यहाँ ऑन का है तो अगर 2 बजे की जगह जैसे मेरे को अभी 3 बजे ये ऑन रखना है और वापस ओके किया पैरामीटर को ऑफ का टाइम, अपन का अगर 3 बजे ऑन था तो अपन को 3:03 पे अपन को ऑफ करना है, तो वापस पैरामीटर दबाएंगे तो हमारा ये पैरामीटर सेट हो गया। वापस चेक करने के लिए PR पे पुश किया, 3 बजे अपन का यहाँ पे देखो ऑन आ लिखा हुआ रहा है, ऑन वापस ऑफ 3:03 पे हमारा टाइमर ऑफ हो जाएगा। पैरामीटर सेट करने के लिए इसमें कुल 25 तरह के अपन पैरामीटर है, 25 बार अपन इसको ऑन ऑफ के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 9 तक तो संख्या में रहते हैं, उसके बाद ABC से, मतलब कुल इसमें 25 तरह का पैरामीटर सेट कर सकते हैं। इसका अपन को टाइमिंग वगैरह सेट करने के लिए, रीसेट होने के बाद इसका टाइमिंग सेट करने के लिए Clock+D पे अपन की डेट होगी, H पे घंटे होंगे, M पे मिनट सेट होगा, और AM/PM चेंज करने के लिए ये घड़ी वाला बटन के साथ मैन्युअली पुश करना पड़ेगा, जिसके साथ अपने AM/PM का चेंज होगा ऑप्शन। डिजिटल टाइमर का कनेक्शन करने के लिए इसमें L में लाइन और N में न्यूट्रल लगेगा। जो अपन का L है उसको लूप मार के हमारे को 15 नंबर में देना है, 15 नंबर में लाइन फेज आएगा और 16 नंबर एम्प्टी रहेगा यानी खाली रहेगा, कुछ नहीं देना है, और 18 नंबर में हमारा जो आउटपुट निकलेगा वो 18 नंबर से आउटपुट को हम A1 या A2 में देना। अगर अपन A1 में देंगे तो A2 में अपने न्यूट्रल देंगे, ठीक है, और ये इसका कनेक्शन इस तरह होगा। ये एनालॉग टाइमर है, इसमें भी 1-2 में फेज आएगा और 1 का फेज 3 नंबर में लूप मारेंगे और 4 से आउटपुट निकलेगा वो कॉन्टैक्टर के A1 या A2 में देना, और कॉन्टैक्टर में L1 L2 में लाइन इनपुट या आउटपुट है। ये हमारा डिजिटल टाइमर। मैं मदन सिंह सोडा, कलम महिंद्रा, कुंभलगढ़।